तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। हम बात करते हैं इस चैनल पे किसकी, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स की। इकोनॉमिक्स में जो लेटेस्ट में जितनी भी घटनाएं हो रही है ना, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर इस चैनल पर स्टडी करते हैं दोस्तों। तो लास्ट वीक क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने से है ना, किसी ने मतलब अधिकांश लोग खैर करंट अफेयर्स पर नज़र रखते हो, तो उसमें एक प्रोग्राम हुआ था डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, DPAW। बेसिकली क्या दोस्तों, ये है RBI का एक इनिशिएटिव है। RBI का क्या है, RBI का एक इनिशिएटिव है, RBI का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत RBI क्या करता है, एक हर साल क्या करता है, एक वीक का प्रोग्राम रखता है। हर साल क्या होता है, एक वीकली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें क्या होता है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करते हैं, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करते हैं, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करते हैं, उसकी रणनीति बनाते हैं कि कैसे उसको प्रमोट, कैसे उसको बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप लोगों में कई लोग, दोस्त लोग हैं ना, क्या होता है, डिजिटल पेमेंट में कन्फ्यूज होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स में कन्फ्यूज होते हैं। तो कन्फ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आज इसको एक सिंपल एक लाइन में बताता हूँ। आप शॉप पे गए, कहीं आप कहीं शॉप पे गए और आपने 100 रुपये की क्या ली, कुछ ली, कुछ किराना खरीदा, 100 रुपये का कुछ परचेज किया आपने, 100 रुपये का कुछ परचेज किया, और आप कैश दे रहे हो नगद निकाल के, तो वो क्या है, वो सिंपल पेमेंट है। लेकिन उसकी जगह आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आप है ना, किसी कार्ड के थ्रू, किसी थ्रू पेमेंट कर रहे, कैश नहीं दे रहे। क्या क्या हो सकता है, आज की डेट में आप सब लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं। सीधा क्या होता है, मोबाइल निकालते हैं, QR कोड स्कैन कर लेते हैं या मोबाइल नंबर डाल देते हैं। और क्या हो सकता था, पहले के टाइम पे एक ज़माने में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल होता था, आज भी होता है पर कम होता है। मुख्यतः क्या होता है, UPI का होता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और कौन सा, तो नेट बैंकिंग से कर सकते थे। अभी आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, टिकट बुक करा रहे हो ट्रेन ट्रेन में, फ्लाइट में, तो नेट बैंकिंग से कई बार पेमेंट कर देते हैं। कई बार हम मोबाइल बैंकिंग, जैसे SBI का योनो है, नहीं है मोबाइल बैंकिंग, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और कई प्रकार के ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि अभी आजकल आप लोग हर आदमी ने देखा होगा, जो टोल थे एक ज़माने में, टोल में क्या करते थे, पैसे देते थे कैश और टोल की पर्ची दिया करते थे। अब क्या हो गया, अब फास्टैग आ गया, तो ये भी क्या एक तरह का डिजिटल पेमेंट है। तो मतलब क्या, कैश नहीं देना, कुछ और तरीके से किसी प्रकार से पेमेंट कर रहे हो, तो सब क्या होता है, डिजिटल पेमेंट होता है। तो RBI इस वीक के माध्यम से क्या करता है, हर साल कुछ रणनीतियाँ बनाता है कि कैसे इसको और ज़्यादा आगे प्रमोट किया जाए। तो इस साल का दोस्तों जो ये था ना डिजिटल पेमेंट, ये इसी भी मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ था, मार्च के फर्स्ट वीक में ही ये वीक मनाया गया था, और भी चल रहा है ये, लगभग 6 मार्च से 12 मार्च तक ये चलेगा। इसी के दौरान क्या होता है, कुछ कई सारे प्रोग्राम का लॉन्चिंग होती है, कई सारी चीज़ों का इनोवेशन करते हैं और कई सारी स्ट्रेटजी बनाती है। तो इसी में कौन गए थे, एक RBI गवर्नर साहब भी गए थे, क्योंकि RBI गवर्नर ने स्पीच दी थी यहाँ अपने डिजिटल पेमेंट पर, डिजिटल पेमेंट पर स्पीच दी थी कि डिजिटल पेमेंट के लिए एक्चुअली देश में चल क्या रहा है, अभी क्या स्थिति है, और आगे RBI क्या रणनीति बना रही है। तो ये हमारे एग्जाम के हिसाब से क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने क्या क्या उसको बताया, कैसे 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 हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे और आज की क्या स्टेटस है, ये सब बारे में इन्होंने यहाँ पर डिटेल में बताया। तो हम उस एक एक बिंदु को लेके यहाँ पर हम आसानी से समझेंगे क्या होता है। डिजिटल विलेज प्रोग्राम शुरू किया है 75 में, तो ये क्या है, ऐसा एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ क्या किया गया, एक हर घर मिशन, हर पेमेंट मिशन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया, हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया अभी लेटेस्ट में RBI का द्वारा, इसी में 2023 में। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को जितने भी पेमेंट हो रहे हैं ना, वो डिजिटल हो, मतलब अधिकांश तक क्या हो, एक तरह से सिंपल बात है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना देश में, क्या करना, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, एक तरह से क्या होना, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना, जहाँ पर कैश का काम ही नहीं रहे, सारा पेमेंट कैसा हो, सारा पेमेंट डिजिटल के थ्रू हो, डिजिटली हो, डिजिटल मीडियम से हो, ना कि कैश के थ्रू। ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो बस इसमें ज़्यादा याद नहीं करना दोस्तों, सिंपल इतना याद रखना है कि अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, कई सारे उदाहरण नाम दे देंगे, 4 नाम, या फिर ऐसे उल्टा पूछ लेंगे, हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने लॉन्च किया, तो ये भी याद होना चाहिए। तो RBI द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया, जिसके तहत ऑब्जेक्टिव है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, टू इंक्रीज डिजिटल पेमेंट इन इंडिया,
तो ये कहाँ ले जाएगा हमको, एक दिन ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाएगा। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मतलब इकोनॉमी में क्या हो, कैश पेमेंट हो ही नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा। भी आज के डेट में आप देखते होंगे अब कैश पेमेंट कितना कम हो गया, पहले आप हर चीज़ में चाय पीने जाओ सब जगह जाओ कैश दिया करते थे, आज की डेट में कहीं नहीं, मोबाइल ले QR कोड में चल जाता है सीधा सिस्टम। तो ये इसका है, इसको इसको लॉन्च किया गया। तो इसका क्या होता था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को प्रमोट करना था। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, क्या होता है ना RBI क्या होता है हर साल क्या करता है, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाता है। इस साल 2023 का कब से कब मनाया था, मतलब 6 मार्च से अभी भी चल रहा है टू 12 मार्च। इसके तहत कई सारे प्रोग्राम वगैरह RBI आयोजित करता है। अब एक इसमें यहाँ आए थे कि आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये डिपार्टमेंट का गवर्नर साहब ने स्पेशली उल्लेख किया था अपने स्पीच में। इस पेमेंट जो डिपार्टमेंट है, आरबीआई के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मॉनिटरी डिपार्टमेंट अलग होता है, पेमेंट के लिए अलग होता है, करेंसी इशू के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं। तो आरबीआई ने जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक क्या किया गया था, अलग से डिपार्टमेंट बनाया 2005 में। इस डिपार्टमेंट की लगभग 7 मार्च को बनाया था, अभी वर्तमान में क्या होगी 18th एनिवर्सरी होगी। ये आरबीआई के गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच में बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक तो आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है, तो DPSS देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा हमको इसमें याद नहीं रखना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखो आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, अभी वर्तमान में इसकी कौन सी 18th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ये यहाँ पर इसके बारे में बता दिया गया था। इसके बाद एक और क्या किया था, 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना चाहिए, 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम। देखो दोस्तों क्या होता है इसमें, ये क्या एक आरबीआई का इनिशिएटिव है, आरबीआई का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत क्या होगा, पूरे देश में पूरे कंट्री से कितने लोगों को, देशों को, गांवों को चुना जाएगा, 75 विलेजेज को का चुनाव किया जाएगा, का चुनाव किया जाएगा, और एक तरह से उनको क्या गोद लेंगे, कौन लेंगे, तो PSO लेंगे, PSO मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर, हेलो, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। ये PSO क्या करेंगे दोस्तों, ये PSO क्या करेंगे, 75 विलेजेस को गोद ले लेंगे। इसका एक लाइन में समझ लो, जितने भी इंडिया में है ना, इंडिया में, पूरे इंडिया में से 75 विलेजेस का चयन किया जाएगा, और उनको क्या किया जाएगा, उनको डिजिटल विलेज बनाया जाएगा, मतलब वहाँ पर सारा पेमेंट किससे होगा, डिजिटली होगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, शुरुआत में चुनिंदा गाँव में, फिर धीरे धीरे और गाँव वाले भी इसको देखेंगे तो वो भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो इससे पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने हाल ही में गाँव में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, तो दोस्तों डिजिटल विलेज प्रोग्राम DVP, और कितने गाँव चुनेंगे इसके साथ, इसके साथ 75 चुनेंगे। क्यों चुनेंगे, क्योंकि अभी हम क्या चला था, 75 इंडिपेंडेंस मनाई थी हमने भारत ने, आज़ादी के 75 साल पूरे हुए थे 2022 में, 15 अगस्त 2022 को, तो उसी के याद में आजकल हर काम का क्या हो रहा है, 75 का हो रहा है, 75 डिजिटल विलेज, 75 भी क्या होगा, वो डिजिटल ब्रांच नहीं खोली थी ना, डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली थी, DBU पढ़ा होगा ना आपने पहले, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ऐसे बैंकिंग ब्रांचेज जो क्या होगा डिजिटली काम करेगा, तो ये भी 75 ही खोली थी। तो इसके तहत भी 75 विलेज को क्या करेंगे, डिजिटल विलेज बनाएंगे, मतलब सिंपल है, वहाँ अधिक से अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। आरबीआई का इनिशिएटिव है कौन सा, 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम। इसमें क्या करेंगे, जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होते हैं ना कई सारे, जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, ऐसा बहुत सारे हैं, पेटीएम हो गए, ये सब क्या करेंगे, 75 विलेज को गोद लेंगे एक तरह से, 75 विलेज को क्या लेंगे पूरे इंडिया में, और इनको क्या करेंगे, डिजिटल पेमेंट विलेज बनाएंगे, डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेज बनाएंगे, मतलब यहाँ पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देगा इन गाँवों में। अब एक UPI की कहानी सुन लो, आप UPI की कहानी सुन लो, तो आप सबको पता है UPI क्या है, UPI भारत का डिजिटल पेमेंट को ऐतिहासिक रूप से बढ़ावा दिया है। पहले भी डिजिटल पेमेंट के सिस्टम थे, नेट बैंकिंग काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन भारत में असली में जो डिजिटल बैंकिंग बढ़ावा दिया ना, असली में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया, डिजिटल बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया, वो किसने दिया है,
यूपीआई नहीं दिया है, आप सब जो आज फोन पे चल रहा है ये क्या यूपीआई है? तो यूपीआई एक है ना क्या रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो किससे जुड़ा होता है, मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है लिंक्ड विद मोबाइल नंबर, पेमेंट सिस्टम जो मोबाइल नंबर के आधार पर काम करता है, मोबाइल नंबर के थ्रू काम करता है। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना बैंक ब्रांच का कोड चाहिए, ना इसका अकाउंट नंबर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। दो तरह से पेमेंट हो सकता है, एक तो पी टू पी, आपने मुझे पैसा ट्रांसफर कर दिया, हम करते हैं एक दूसरे को 100 रुपये 1000 रुपये जितने पैसे किसी को ट्रांसफर करने हो। एक होता है पी टू एम, पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट, ये दो तरह से पेमेंट इसमें इनेबल्ड होते हैं। अब यूपीआई की बहुत भारी सफलता इंडिया को मिली है पिछले, मतलब 2016 में इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया गया था, आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया था पहले भी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एक संस्था बना रखी है आरबीआई ने अपने नीचे बैंकों के माध्यम से। ये पूरे देश में क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट बढ़ावा देने के कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसमें से एक प्रोडक्ट था 2016 में यूपीआई, ये ओपन सोर्स था। इसी के आधार पर फिर हर आदमी ने अपनी अपनी क्या करी, ऐप बनाई, जैसे कि फोनपे बनाया येस बैंक ने, जैसे कि क्या होता है एसबीआई का भी है, सबका है यार, बैंक का है इसमें कोई, पेटीएम का है, अमेजोन का है, अमेजोन पे, गूगल पे है, ये जितने पे पे हैं ना वो सब क्या है, यूपीआई है। तो ये इसमें आरबीआई के गवर्नर साहब ने कल अपनी बात में ये बात रखी कि भाई यूपीआई को क्या हुआ, बहुत सफलता मिली इंडिया में। और इंडिया अब तो ये क्या कर रहे हैं, इसको इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी प्रमोट कर रहे हैं। आज की डेट में 3 देशों का नाम लिया उन्होंने, सिंगापुर, सिंगापुर, भूटान, यूएई में भी इनसे क्या किया जा सकता है, पेमेंट किया जा सकता है एनपीसी यूपीआई के थ्रू। तो ये सब उन्होंने बताया। यूपीआई के ट्रांजेक्शन काफ़ी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, 2016 में लॉन्च किया गया था पी टू पी, पी टू एम, इससे पेमेंट किया जा सकता है। आज की डेट में अगर 100 है ना डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं ना इंडिया में, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सबको मिलाएगी, तो 75% क्या है, 75% यूपीआई से हो रहे हैं। सोचो पूरा डिजिटल, सारा डिजिटल पेमेंट ले लो, उन सब में क्या 75% योगदान केवल यूपीआई का है, एक प्रोडक्ट का है। तो आप इससे इसकी महत्वता समझ सकते हो। एक आंकड़े के अनुसार उन्होंने बताया कि यूपीआई कितना काम कर रहा है, कि जनवरी 2023 में 804 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए टोटल, 804 करोड़, मतलब हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन यूपीआई के कितने ट्रांजेक्शन हुए, 804 करोड़ हुए, कितने अमाउंट के, लगभग 13 लाख करोड़ के, 12.98 लाख करोड़ के। ये आंकड़े याद नहीं रखना है, मोटा मोटा एक समझना है कि कितना इंपॉर्टेंट है यूपीआई। तो यूपीआई क्या है, लगभग 800 करोड़ ट्रांजेक्शन, कितनी बड़ी बात होती है। तो एक महीने में 800 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास, 13 लाख करोड़, एक बार डेटा सुन सोचना, तो इतना सारा इससे यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रहा है। ये हमको थोड़ा सा एक अनुमान रखना है, एक लगभग 75% जितने डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं ना, उसमें से उस मतलब 100 पेमेंट अगर डिजिटल हो रहे हैं तो 75% यूपीआई से हो रहे हैं। इसकी फिर जो जो वीक मनाया था, इसकी थीम थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। ये इंपॉर्टेंट रखना, क्या करो, डिजिटल पेमेंट खुद तो अपनाओगे अपनाओगे, डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। और क्या करना है दोस्तों, औरों को भी सिखाना है, तो इसको थीम आरबीआई चाहता है आपको, तो आप भी इसको अपनाना, खुद तो करोगे करोगे डिजिटल पेमेंट, और अपने आस पड़ोस में अपने माँ बाप जो नहीं कर सक रहे या थोड़ा बहुत प्रयास करने से सीख सकते हैं, कोई बड़े भाई हैं, बड़े चाचा हैं, तो उनको जरूर सिखाएं। ये आरबीआई कह रहा है और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात को आप सुन रहे हो तो खुद तो अपनाओ अपनाओ, इससे बहुत सारे फायदे हैं डिजिटल पेमेंट से। आप खुद लोगों ने अनुभव भी किया होगा जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग अभी इससे डरते हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, खो जाएगा, तो नहीं है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है, और उससे ज़्यादा जोखिम तो कैश में होता है, पॉकेट मार लेते हैं लोग बाग जेब खतरे, तो उससे ज़्यादा खतरा है ना कैश में होता है। इसलिए ना डिजिटल पेमेंट को अपनाना है और औरों को भी सिखाना है, तो ये इससे आपको क्या होगा, थीम याद रखने में सुविधा मिलेगी। एक दोस्तों अभी क्रॉस बॉर्डर लिंकेज का बात थी, क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर लिंकेज है क्या, देखो क्या होना, आप में से अगर किसी के जान पहचान कोई फॉरेन में रहते हो या कहीं कहीं के भाई बहन पढ़ रहे होंगे फॉरेन में, तो पैसे ट्रांसफर करते होंगे सब। ये सपोज करो कोई यहाँ पे पढ़ रहा है चाइना में एमबीबीएस कर रहा है, एक इंडिया में पढ़ रहा है, एक इंडिया में, यहाँ पर इनके माँ बाप रहते हैं, अब यहाँ से इनको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने इनमें से किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये एक तो डिफिकल्ट होता है, क्या होता है डिफिकल्ट होता है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, अभी आज भेजोगे 2 दिन बाद पैसे पहुँचेंगे, काफ़ी टाइम लगता है। दूसरा चार्जेस बहुत हाई होते हैं, चार्जेस बहुत हाई होते हैं, चार्जेस इज वेरी हाई। अगर आप लोगों ने इसमें किया होगा तो अनुभव आपको पता होगा, नहीं किया होगा तो मेरी बात मान लो कि चार्जेस बहुत हाई होते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका समाधान क्या निकालना, तो इसका आरबीआई समाधान निकालने का रहेगा, एक काम करो, जैसे कि इसका किया था सिंगापुर में, सिंगापुर में जैसे इंडिया का क्या है फोनपे है,
उसको कहते हैं पे नाउ। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो फोन पे है, और सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में क्या है, फोन पे नाउ है। तो इन दोनों को लिंक कर दो भाई, ये दोनों भी क्या वर्तमान में लिंक नहीं है। इसलिए क्या होता है, इंटरनेशनल कई सारे ट्रांजेक्शन इनसे गुजरना पड़ता है, स्विफ्ट सिस्टम वगैरह से पैसे को पेमेंट, इसलिए क्या होता है चार्जेस भी आए होते हैं, टाइम भी लगता है। तो इस इंडिया का फोन पे अगर ये सिंगापुर के पे नाउ से कनेक्ट कर दे किसी प्रकार से, तो क्या होगा, यहाँ बटन दबाए तुरंत पैसे पहुंच गया। तो ये अभी RBI करने का प्रयास कर रहा है। लेटेस्ट में अभी की न्यूज है फरवरी की, इसमें क्या हो, भारत के प्रधानमंत्री मौजूद थे, भारत ने क्या किया सिंगापुर के साथ टाइप किया है, और भारत के फोन पे और सिंगापुर के पेनाओं को लिंक किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, कि हाल ही में भारत के फोन पे और क्या UPI को, फोन पे नहीं दोस्तों, बेसिकली UPI है, UPI को सिंगापुर के कौन से उससे प्रोडक्ट या कौन से फाइनेंशियल उससे कनेक्ट किया गया, तो उसका नाम हो जाएगा पेनाओ। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, रियल टाइम पे पैसा भेजना ट्रांसफर होगा और कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। UPI पेनाओ लिंकेज, सिंगापुर क्रॉस बॉर्डर लिंकेज हो रही है UPI पेनाओ। UPI मैंने बताया था फॉरेन में 3 जगह काम कर रहा है, भूटान में काम कर रहा है, सिंगापुर में काम कर रहा है, UAE में काम कर रहा है। एक G20 पर्सन को भी थोड़ा सा सुन लो कहानी, एक G20 का सुन लो कहानी। ये इंडिया है, यहाँ कौन सा सिस्टम चल रहा है, यहाँ चल रहा है UPI, आराम से मोबाइल लो, QR कोड स्कैन करो, पैसे का पेमेंट करो। लेकिन सपोज करो कोई USA का आदमी यहाँ आ रहा है मोबाइल अपना, तो वो यहाँ कैसे पेमेंट करेगा, नहीं कर पाएगा, यहाँ पेमेंट नहीं कर पाएगा वो। क्यों, यहाँ अगर वो क्या करेगा, UPI भी डाउनलोड करेगा तो उसका अकाउंट नंबर छोड़े है यहाँ पे, उसका अकाउंट नंबर तो USA का होगा। 10 दिन घूमने आए तो 10 दिन थोड़े यहाँ इंडिया के बैंक में खाता खुलाएगा, और खुलाएगा कौन खोलेगा उसका खाता 10 दिन के लिए, कोई नहीं खुलेगा। तो अभी है ना, आप सबको पता है ऐसे 2023 में क्या चल रहा है, 2023 साल चला है G20 का, जिधर देखो उधर G20 छाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे दम लगा रखी है कि G20 को हिट कराना है। इस साल की सबसे बड़ी घटना यही है, आप जहाँ भी देखोगे आजकल G20 दिख रहा है, रेलवे पे, बस स्टैंड पे, सब जगह होल्डिंग पे, जगह जगह इसकी मीटिंगें हो रही है। अपने राजस्थान में भी हुआ था, उदयपुर में, जोधपुर में, कुछ ना कुछ हलचल चली रही है G20 की। गवर्नमेंट काफी प्रचार कर रही है G20 का। तो ये G20 के लोग आएंगे यहाँ पर, G20 से टूरिस्ट आएंगे ना इनके साथ साथ में, तो ये कैसे पेमेंट करेंगे। तो RBI ने कहा है कि भाई इनको एक तरकीब ढूंढेंगे, ये भी क्या करेंगे, ये G20 के जो लोग आ रहे हैं ना, ये भी UPI पेमेंट कर सकेंगे, UPI से पेमेंट कर सकेंगे, विदाउट विदाउट अकाउंट, विदाउट अकाउंट मतलब इनका पास इंडिया का अकाउंट नहीं गई, अपने अकाउंट से यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल में UPI की ऐप डाउनलोड करेंगे, उससे क्या करेंगे इंडिया में पेमेंट कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगी, इसकी रामकहानी हमको नहीं पता, हमको केवल इतना ही पता रहना है कौन से देशों के लिए के नागरिक इंडिया में आकर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, तो वो है G20 देशों के, क्योंकि G20 का सम्मेलन 2023 में चल रहा है, तो काफ़ी लोग इंडिया घूमने आएंगे। ये इसमें ये कहना चाह रहा था, G20 पर्सन कॉपी कैन पे UPI विदाउट अकाउंट नंबर, उनके पास इंडियन अकाउंट है नहीं, वो अपने अकाउंट से कैसे न कैसे करके कोई तरकीब ढूंढेंगे उसको कर सकते हैं। एक था दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक, अभी के नहीं है ये आज की न्यूज़ नहीं, कल केवल गवर्नर साहब ने इस पर थोड़ा सा क्या किया था, हल्का सा बात बताई थी, तो इसके बारे में जानेंगे। एक होता है पेमेंट विजन 2025, पेमेंट्स विजन 2000, पेमेंट्स विजन 2025। ये बेसिकली क्या होता है, RBI का क्या होता है, RBI लिख के आया था, जिसका क्या उद्देश्य था कि 2025 तक देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ावा देने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाएंगे हम। ये इसमें पेमेंट विजन 2025 में था, ये जून 2022 में, जून 2022 में RBI द्वारा लॉन्च किया गया था, कि अगले 2-3 साल 2025 तक हम देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, क्या क्या हमारी रणनीति होगी, और कैसे कैसे काम करेंगे, ये सब इसमें होता है। जितने भी विजन डॉक्यूमेंट होते हैं ना दोस्तों, उनमें यही होता है कि हम कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, कोई अचीवमेंट कर लेते हैं, उसको कैसे हासिल करेंगे, क्या तो टारगेट होगा, क्या अचीवमेंट होगी, क्या प्रोसेस होगा उसके लिए, ये सब। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना था, देश को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, अब कैसे देना है, कितना देना है, क्या देना है, ये सब उस विजन डॉक्यूमेंट के पार्ट होते हैं। तो इसमें है ना RBI द्वारा लॉन्च किया गया था ये पेमेंट विजन, बस हमको इतना याद रखना है कि RBI द्वारा पेमेंट विजन क्या लॉन्च किया गया, 2025 लॉन्च किया गया, या उल्टा भी पूछ सकते हैं कि पेमेंट विजन 2025 कौन सी संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, वित्त मंत्रालय, RBI, SEBI, ऐसे चार एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हैं। तो कब लॉन्च किया गया था, जून 2022 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था देश में हर व्यक्ति को टू प्रोवाइड एवरी यूजर, जितने भी यूजर प्रयोग कर रहे हैं उसको सेफ। बट डिजिटल पेमेंट ऐसा नहीं हो कि हम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारा क्या हो, चोरी हो जाए पैसे की, इनका मोबाइल से इनका डेटा लीक हो जाए या मोबाइल से कुछ हो जाए, वैसा नहीं, सेफ होना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं पैसा कट गया हमारा काम भी नहीं हुआ, हमने बुक परचेज करनी थी पैसा भी कट गया, बुक भी नहीं आया तो पैसा भी गया, तो ऐसा नहीं, सेफ होना चाहिए, सिक्योर भी होना चाहिए, वो पास होना चाहिए, तेज गति से काम होना चाहिए।
साथ में क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, ईजी टू हैंडल होना चाहिए, एक्सेसिव होना चाहिए, सबको उपलब्ध होना चाहिए, एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन। तो देश के समस्त जनता को क्या करना है, सेफ सिक्योर पास कन्वीनियंट एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट सोल्यूशन उपलब्ध करना, जिसकी थीम थी 4E। क्या थी ये याद रखना, 4E का कंसेप्ट। तो ई 4E का पहला ई हो गया ई पेमेंट, 4 ई पेमेंट करना किसके लिए, एवरीवन, सबके लिए, केवल फैमिली के लिए नहीं, हर व्यक्ति को क्या करना है, ई पेमेंट को बढ़ावा देना है। कहाँ पर देना, एवरीवेयर। यू नहीं कि जयपुर में आगे तो ई पेमेंट की व्यवस्था है, कोटा में चल गए तो वहाँ नहीं है, छोटे कस्बों में चल गए, चाकसू में चल गए तो वहाँ नहीं। तो ई पेमेंट हर व्यक्ति के लिए, हर जगह और हर टाइम, एवरी टाइम। ये सब नहीं कि सुबह 8 से 6 बजे तक, तो सुबह 8 से 11 बजे तक तो ई पेमेंट हो जाएगा, दिन दिन में तो रात को नहीं होगा, नहीं, 24/7। तो ये उसका थीम थी दोस्तों 4 इज की। 4 इज में पहला ई तो बताता है कि क्या करना है, तो ई पेमेंट को बढ़ावा देना है, कैसे देना है, किसके लिए देना है, तो एवरीवन, कोई छोटे का नहीं, सबके लिए, अमीर के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, सबके लिए। कहाँ पे, यानी जयपुर में, कोटा में नहीं, छोटे कस्बों में भी, सब जगह भी, जहाँ भी हो, एवरीवेयर, और यूँ नहीं सुबह दिन में ही, हर टाइम, एवरी टाइम। तो ये 4 ई दोस्तों, इस रणनीति के आधार पर, इस थीम के आधार पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा पेमेंट विजन 2025 के तहत। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब आगे बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।